बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्दुल रज़ाक, हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल सादा सी है, सरसों के बारे में। ये है सरसों, देसी सरसों है ये। इसके मुतल्लिक हम आज बात करेंगे। ये जो सरसों है ना, इस के जैसी कोई फसल नहीं है। अगर ये लग जाए तो, फसल कोई भी है उसका सीज़न होता है, हर फसल का अपना सीज़न होता है। इसी तरह ये सरसों का भी सीज़न होता है। अगर सर्दी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, कोहरा ना पड़े बस, फिर ये अच्छी रह जाती है। अगर कोहरा पड़ गया तो फिर ये ख़त्म, सर्दी की वजह से ये ख़त्म हो जाती है। कोहरा जब पड़ता है ना, तो ये जो बने हुए हैं दाने, ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो दाने नमा है ना, कोरा पड़ेगा तो ये ख़त्म हो जाएंगे, अगर नहीं पड़ेगा तो ये ठीक रह जाएंगे। ठीक रहेंगे तो फिर ही ज़िम्मेदार के काम आएंगे ये। अगर कोरा पड़ गया, ये पिचक जाएंगे, सूख जाएंगे, ये किसी काम के नहीं हैं। सरसों सबसे बेस्ट फसल है पंजाब में। मैं भी पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब में पहले से इस दफ़ा ज़्यादा सरसों काश्त की गई है। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सरसों है, क्योंकि इसका ख़र्चा नहीं है। गंदम पे ख़र्चा बहुत होता है, आमदन कम है। इसके एक पानी लग गया, दो लग गए, ये कामयाब हो जाती है। खाद डाल दी फिर भी ठीक है, ना डाली फिर भी कोई मसला नहीं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, जो आप करेंगे वो कहते हैं ना, जो बीजेंगे वो ही काटेंगे। अगर आप इसकी खिदमत करेंगे, इसको खाद वगैरह देंगे तो ये अच्छी हो जाएगी, नहीं तो फिर 15-16 मन फी एकड़ से फिर भी नहीं गिरती, अगर आप सिर्फ इसको पानी लगाएं तो। ये है सरसों। इसके बाद ये जो सरसों है ना, ये साग वाली सरसों है, राया इसे बोलते हैं, काली सरसों, गोभी सरसों इसे कहते हैं। ये साग वाली सरसों है। और जो ऑयल जिसका निकलता है वो सरसों ये है। खूबसूरत लग रही है, प्यारे फूल हैं। सर्दी का मौसम था, काफ़ी सर्दी है आज, शायद बारिश भी आ जाए, लेकिन मैंने चाहा वीडियो ज़रूर बनानी है, आपके चाहने वालों को ज़रूर दिखाऊंगा वीडियो। आज की वीडियो इतनी थी। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।